हम सब हज करेंगे में सीखे अरकान 400 हज यात्रियों का हुआ मेडिकल प्रशिक्षण। सिविल लाइन के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हज की महफिल सजाई गई। बरेली हज सेवा समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री हाजी अतर रहमान ने आजमीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पैसे वालों को नहीं नसीब वालों को मिलता है हज का मौका। हम सबको अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए कि हर मोमिन के नसीब में हज लिख दे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डॉक्टर जगमोहन सिंह ने कहा कि हज यात्रियों के पेड़ लगाने की मुहिम काबिले तारीफ कदम है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को काफ़ी फायदा मिलेगा। जिले में सभी सिविल बेहतरीन इंतजाम के साथ लगाए जा रहे हैं। बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खान वारसी ने कहा कि खुश नसीब वो लोग जो हज पर जा रहे हैं, अपनी दुआ में हमको और हमारे वतन की सलामी कामयाबी के लिए दुआ करना। आप हाजी हाजी आपको सदर साहब मोहम्मद इरफान अल्लाह पर कहते हुए अलग कर सकती है। इसके बाद हज तो मुकम्मल हो गया। एक नाम पुकारे मजबूरी जाए सब ना उठें। ये नहीं कि कुछ लोग गलती करते हैं कि बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह कर लेना है, उधर पीठ करेंगे तो उधर मुंह करेंगे तो काबे की तरफ पीठ हो जाएगी, हराम हो जाएगा सौदा। लिहाजा जहां नफिल पड़े और बैठे सभी जिम्मेदारान और जिले हमारे साथियों ने जितनों ने हज नहीं किया है उन सब की क्रिया था। किसी भी हस्ती के लिए के समस्त हिंदुस्तान से जा रहे हाजियों को मैं अपने विभाग की ओर से अपनी ओर से बहुत मुबारक देता हूँ कि आपका हज मुकम्मल हो और आपको जिस काम से आप जा रहे हैं वो सफल हो, हम कोई दिक्कत ना हो, इसी में दुआ है। और वहाँ जा कर के इस मुल्क के लिए दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें। और जैसा अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि अपने अपने मोहल्लों में जैसे मुहिम चलाई जा रही है कि सभी लोग वृक्षारोपण करें और जब जाएँ तो उन पेड़ों की जिम्मेदारी किसी को दे के जाएँ कि वो पेड़ बचे और वो पनपे। और ये काम होगा तो हज के साथ साथ एक बहुत बड़ा काम होगा और आगे भविष्य में इस तरह काम हम आगे करते रहेंगे। सभी परिवार बहुत बहुत बड़ा। आज हज सेवा समिति की तरफ से हाजियों के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी मौजूद हैं, अम्मी खां वारसी साहब, ट्रेनर हाजी यासीन कुरैशी साहब और हमारे महानगर अध्यक्ष भी हैं उवैस भाई। और इस मौके पर सभी को हज के अरकान कैसे अदा हों इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ जिस यहाँ से जाने से लेकर वहाँ हज करके आने तक का सब चीज़ें बताई जा रही हैं। इससे हाजियों को जो मालूमात नहीं होती है वो मालूमात पूरी हो जाती है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ हज सेवा समिति के सभी मेम्बरान को कि ये हर साल हाजियों की खिदमत करते हैं, जिससे हाजियों को भी जो परेशानियाँ होने वाली होती हैं वो सब हल हो जाती हैं। और इसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहब का काफ़ी रोल है, हाजियों की अपनी ड्यूटी के साथ साथ हाजियों की खिदमत भी कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पर सभी हाजियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्हें हज का मौका मिला। और दूसरे सभी हाजियों से अपील भी करता हूं कि सब लोग अपने अपने गाँव, जिस गाँव से आए हैं या जिस मोहल्ले से आए हैं, वहाँ जाकर पेड़ लगाएँ, जिससे हमारा जो माशरा ख़राब हो रहा है, एटमोसफेयर में थोड़ी कमी आई है, वो बढ़िया हो सके। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।